सात सूत्रीय मांग लिएर अल इंडिया रेलवे पेंशनर एसोसिएशन द्वारा केन्द्र सरकार को विरोध में आंदोलन गर्दै आज एनजीबी स्थित एडीआरएम सित भेट गरेर एउटा ज्ञापन पत्र चढाएको छ। रेलवे को निजीकरण, नया पेंशन ऐन रद्द गरिनुपर्ने, नौकरी को सुरक्षा लगायत सात सूत्रीय मांगलाई लिएर आज अल इंडिया रेलवे पेंशनर एसोसिएशन ले केन्द्र सरकार विरुद्ध आंदोलन सुरु गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार आज संगठन को तर्फबाट देश का सबै रेलवे विभाग का रेल अधिकारीहरु मार्फत देश का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीलाई एउटा ज्ञापन पत्र चढाइयो। यता सिलगढ़ी में पनि एनजीपी जंक्शन र सिलगढ़ी टाउन स्टेशन शाखा को तर्फबाट पनि सात सूत्रीय मांगलाई लिएर एनजीपी एडीआरएम सित भेट गरेर एउटा ज्ञापन चढाइयो। उक्त आंदोलन को सुरू में संगठन को तर्फबाट आज दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को आत्मशांति को निम्ति दुई मिनट को मौन धारण गरियो। संगठन को तर्फबाट बताए अनुसार धेरै दिनदेखि तिनीहरूले नया पेंशन ऐन रद्द गरिनुपर्ने, रेलवे को निजीकरण, नौकरी को सुरक्षा लगायत विभिन्न मांगहरूलाई लिएर विरोध गर्दै आइरहेका छन्।